तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं एक वीवीए माइक्रो का प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ये है कि मेरे पास सिस्टम में 7 फाइलें हैं एक फोल्डर में। ये 70 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। इन सबों के अंदर का जो डेटा है वो एक 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 करके इस डेटा शीट में मुझे कॉपी पेस्ट करने, राइट सर? तो चलिए इसके लिए हम माइक्रो लिखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट आरा और ब्रैकेट 1 कर देते इस तरह के। सबसे पहले तो हम यहाँ देते हैं कि डिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, तो फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूज करते हैं डी आई आर फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शन। एफ एन इक्वल टू डी आई आर, और इसके अंदर हमने दे दिया अपना एक पाथ और बोला डॉट एक्सएलएस एक्सएलएस स्टार। ऐसा क्यों किया? क्योंकि तो एक्सएलएस एम भी हो सकता है, एक्सएलएस एक्स भी हो सकता है, एक्सएलएस भी हो सकता है। हमने बोला कि भाई एक्सएलएस उसके अंदर होना चाहिए। आपका अगर कंफर्म है तो एक्स डॉट एक्सएलएस एक्स कर दीजिए, कोई बात नहीं। या कोई भी फाइल हो सकती है तो आप कर दीजिए उसमें डॉट स्टार। अभी क्या करेगा, सारे फाइल नेम लेके डी आई अपने पास रख देगा। लेकिन एफ एन तो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक बार में एक ही वैल्यू लोड हो सकती है ना। तो यहां अब हम करेंगे फंक्शन डू व्हाइल लूप लगाएंगे कि एफ एन इक्वल टू नो, एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कि लूप तब तक चलता रहा है जब तक कि ब्लैंक एफ एन के ऊपर ना हो जाए। और फिर एफ एन इक्वल टू डी आई आर हमने रिलोड करवा दिया कि दूसरा नाम लोड हो जाए। अगर मैं सारे शीट नेम अगर ये डेटा में लाते हैं तो हम सिंपली लिख देते हैं कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ एन। ऐसा करके रन किए तो देखिए आ गया एक से लेकर 7 तक। ठीक है सर, लेकिन मुझे इसके अंदर डेटा चाहिए, मुझे नेम थोड़ी चाहिए, इसके अंदर क्या चाहिए, डेटा चाहिए। इसको चलो डीएक्टिव कर देते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे वर्क, उससे पहले मैं यहां एक और लूंगा कि डिम डब्ल्यू एज ए स्ट्रिंग। यहाँ पे वर्कबुक भी कह सकते हैं, वर्क और सेट डब्ल्यू इक्वल टू एक्टिव वर्क। उसके बाद यहाँ पे करते हैं हम वर्क बुक्स डॉट ओपन, और कौन सा फाइल ओपन करना है तो हमने ये पाथ है, क्योंकि तो आप देखा था एफएन सिर्फ फाइल का नेम देता है, पाथ नहीं देता है। तो पाथ के लिए मैंने एफएन को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे शीट्स, पहली शीट्स पे मैं जाऊंगा डॉट सेलेक्ट, फिर हमने करेंगे रेंज ए 1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, फिर वापस डब्ल्यू डॉट एक्टिवेट। ओके डब्ल्यू डॉट एक्टिवेट, ठीक है। और शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट रेंज ए 65,000 डॉट एंड
x selects up dot offset 1 comma 0 dot paste spatial. अब चलिए इसको हम f8 करके रन करते हैं, 1 by 1 रन करते हैं f8 यूज करते हुए. f8 देखिए यहां पे आ गया आपका fn के ऊपर 1.xls, 1.xls को ओपन किया, ओपन हो गया, सीट पे गया, डेटा कॉपी किया. देखिए कॉपी कर लिया, w डॉट एक्टिवेट इस सीट पे आया, डेटा सीट पे गया और पेस्ट कर दिया. फिर fn क्या करेगा, यहाँ पे 1 है, fn क्या कर दिया, 2 कर दिया, 2 कर दिया. फिर वापस देखा, चेक किया कि fn ब्लैंक नहीं है, तो वापस fn को ओपन किया. अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है सर, हमने fn को तो क्लोज किया ही नहीं ना, तो ये 700 फाइल है या 700 फाइल है, तो यहाँ तो ओपन रह जाएगा ना क्या सर. तो यहां हमें लिखना है वर्क बुक और इसके अंदर में fn डॉट क्लोज और यहां पे हम ट्रू कर देते हैं. ठीक है, और यहां fn को भी, यहां पे 1 को भी खुला है, इसको भी हम बंद कर देते हैं. ठीक है, और यहां से इसको हम डिलीट कर देते हैं. दोबारा करते हैं डन. अच्छा ये प्रॉब्लम होगी, ये क्या प्रॉब्लम है सर बताइए, एक और प्रॉब्लम आ गई. बेसिकली जब कॉपी हुए है, प्रॉब्लम बार बार आएगी सर, बार बार आ रही ना सर. क्यों, क्योंकि हम यहाँ कॉपी जब किए हुए हैं, जिस फाइल को हम कॉपी किए हुए हैं उसको अगर हम बंद करते हैं तो इस तरह का मैसेज देता है कि क्लिपबोर्ड से डेटा गायब हो जाएगा. इसलिए क्या करें हम सर, क्या करेंगे, क्लोज करने से पहले यहां लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स. ठीक है सर, तो क्या करेगा, एक कॉपी अगर रहेगा तो वो एस्केप कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, कट कॉपी मोड आपका हट जाएगा. अब आपका ये परफेक्टली वर्क करेगा, नो एनी प्रॉब्लम. अब एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलाउड फॉल्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो इस तरह का जो विंडो चेंज होता है वो नहीं दिखेगा. आया समझ में रविंदर जी? हाँ सर. अब इसमें क्या है कि एक ही सीट को कर रहा है, आपको सारे सीट को कराना है तो फिर यहां आपको क्या लगाना होगा, लूप लगाना होगा. समझे, यहां पे लूप लगाना होगा कि फोर डे इक्वल टू 1 2 sheets dot count. ठीक है सर, अरे ऊपर लगेगा, माफ लगा लीजिएगा ना आपकी. नहीं सर, अगर मान लीजिए फाइल में कई सारे शीट्स का डेटा है, सारे शीट्स का डेटा रखना है तो ओपन करने के बाद ये लूप लगाना होगा, यहाँ कॉपी करना होगा पेस्ट और यहाँ नेक्स्ट आई नेक्स्ट जे सॉरी और सीट वन के जगह पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा. समझे, ये फाइल को ओपन करेगा फिर जितना शीट है सब काउंट करके वन बाय वन शीट पे जाएगा, डेटा कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा, कॉपी करेगा. हाँ इसमें एक दिक्कत आ गई, क्योंकि हम तो ए एक्टिवेट हो गया ना इस पे, तो वापस हमें यहाँ आना होगा ना सीट पे,
वर्कबुक पे जो ओपन है हमारा, क्योंकि यहां हम कहाँ चल जा रहे हैं, डब्ल्यू डॉट एक्टिवेट पे आ गए ना, तो हमारा fn फाइल जो है वो तो क्लोज, वो तो पीछे रह गया ना। यहाँ पे लिखना होगा वर्क बुक्स और इसके अंदर में fn डॉट एक्टिवेट, समझे। एक कोड बन गया नंबर ऑफ, जितने भी फाइल सीट्स होंगे, एक से ज्यादा सीट्स होंगे, उनको डेटा को कॉपी कर देगा। समझ में आया आप लोगों को इसमें कोई डाउट? हाँ सर, नहीं सर।